अनिल देशमुख ईडी और सीबीआई की निगाहों से छुपकर आराम से नहीं बैठा है। अनिल देशमुख के इशारे पर उसके लोग रिश्वत देकर किसी तरह सीबीआई की जांच को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये खेल अनिल देशमुख और उनके करीबियों पर भारी पड़ता नजर आने लगा है। सीबीआई ने इसी वजह से अनिल देशमुख के दामाद डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी और अनिल देशमुख के लीगल टीम के सदस्य वकील आनंद डागा को हिरासत में लिया था। डॉक्टर गौरव चतुर्वेदी को तो पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन आनंद डागा को गिरफ्तार कर लिया। आनंद डागा पर आरोप है कि वे सीबीआई के निचले अधिकारी को रिश्वत देकर जांच रिपोर्ट के मैनिपुलेशन में और उन्हें लीक करने की जुगाड़ में लगे हुए थे। सूत्रों का कहना है कि अनिल देशमुख की लीगल टीम से जो अधिकारी जुड़े हुए थे उन्हें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। उनका नाम अभिषेक तिवारी बताया जा रहा है। आनंद डागा पर कागजात लीक करने का आरोप है जो अनिल देशमुख के लोगों में बांटा गया है। इसी आरोप को लेकर उन्हें पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक ये वकील पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए काम करता था। कथित तौर पर पिछले सप्ताह अनिल देशमुख मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को कई सोशल मीडिया और मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया था। ये रिपोर्ट बाद में मीडिया में भी आई। सीबीआई का कहना है कि जिस दस्तावेज को प्रारंभिक रिपोर्ट कहा जा रहा है उस पर न तो किसी के हस्ताक्षर हैं और न ही वह सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं। एनसीपी ने सीबीआई पर अनिल देशमुख के दामाद को गलत तरीके से कस्टडी में लेने का आरोप लगाया है। एनसीपी प्रवक्ता और राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि उनको कस्टडी में लेने से पहले किसी भी नियम या कार्यवाही का पालन नहीं किया गया। वह वर्ली स्थित अपने आवास से परिवार सहित बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक 10-12 लोग आए और उन्होंने उन्हें कस्टडी में ले लिया। क्या ये कानून का शासन है या शासकों का कानून? कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अनिल देशमुख के दामाद और वकील को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि अभी सीबीआई ने स्पष्ट किया कि उनके दामाद को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ उनके वकील को पकड़ा गया है। वकील आनंद दागा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद अनिल देशमुख के दामाद को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस ने रविवार को दावा किया था कि सीबीआई जांच अधिकारी ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोपों में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई है और उन्होंने जांच बंद कर दी थी, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने एक साजिश के तहत रिपोर्ट रद्द कर दी। भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों में देशमुख और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रारंभिक जांच की थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने कुछ पुलिस अधिकारियों से मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए एकत्रित करने के लिए कहा था। देशमुख ने प्रारंभिक जांच के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोपों से इनकार किया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।